हेलो वंस अगेन, वार वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जोपटा एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीक जो हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड वीक ऑफ द जून की न्यूज़ है। जो जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहे थे इंपॉर्टेंट, या जो जितने भी प्रोजेक्ट स्कीम्स को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में देखेंगे कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वी हैव, हमारे पास जो सबसे पहली न्यूज़ है वो रिगार्डिंग द हेल्पफुल शगुन स्कीम फॉर द पुअर फैमिलीज। इसके बारे में हमने जब इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था, बजट में भी देखा था, तो एक बार फिर से इसका जिक्र हुआ था। तो हिमाचल में जो है वो स्पेसिफिकली जो BPL फैमिलीज आती हैं या EWS बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज आती हैं, उनके लिए शगुन स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है सरकार की तरफ से लगभग 31,000 रुपीज का जो है वो प्रावधान रखा गया है। बेसिकली इस स्कीम को जो था वो लॉन्च किया गया था 2021 में। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अंडर द शगुन स्कीम गवर्नमेंट इज गिविंग 31,000, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो 31,000 रुपीज की असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है पुअर फैमिलीज के लिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। स्पेसिफिकली 1000 ऑफ डॉटर्स एंड पेरेंट्स ऑफ द स्टेट्स हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस हैव एक्सप्रेस्ड हर्टियस्ट ग्रेटिट्यूड टू द CM। और इससे जो है जिनको जितना अब तक लाभ हुआ है या जितने भी लाभार्थी थे उनको जो है वो थैंकफुल रहे, ग्रेटफुल रहे CM ऑफ हिमाचल के लिए। बेसिकली जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम को जो है वो कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था। और वो जो है डायरेक्टली जो अमाउंट है शगुन स्कीम का वो उसी डॉटर को दिया जाता है जिसकी मैरिज होती है टू द डॉटर, इवन इफ शी मैरिज आउटसाइड द हिमाचल। और ये इसका जो है वो स्ट्राइकिंग फीचर है कि आउटसाइड द हिमाचल भी अगर मैरिज है तब भी जो है उनको ये पैसा जो है या शगुन के तौर पे जो अमाउंट है वो दिया जाता है। द बेनिफिट ऑफ द स्कीम कैन बी अप्लाइड बिफोर 2 months बिफोर द मैरिज और 6 months After the marriage। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइम तक जो है टाइम पीरियड तक, शादी से पहले 2 महीने और आफ्टर द मैरिज 6 months तक जो है वो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अमाउंट है वो डायरेक्टली डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं है कि इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा, डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया जाएगा, जो भी बेनिफिशियरीज होगा उनके खाते पे जो है डायरेक्टली ट्रांसफर करवाया जाएगा अमाउंट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम। तो इसके जरिए जो है वो अगर इस स्कीम का एडवांटेज लेना है तो इसका जो है वो जिम्मा किसको सौंपा गया है, जो नियरेस्ट आंगनवाड़ी या CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स है उनको जो है वो इसका काम दिया गया है। वही जो है इसके रिगार्डिंग अगर जिसने जो भी स्कीम्स को या फैसिलिटी को अवेल करना है तो इनके जरिए जो है वो पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलोअप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द शगुन स्कीम या शगुन योजना। जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज है वो है रिगार्डिंग द पक्का हाउस या आश्रय योजना। इसको जो है वो हिमाचल सरकार की तरफ से जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसको स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है, इसमें जो IRDP के अंडर या BPL के अंडर जो फैमिलीज आती हैं उनको जो है वो 1.5 लाख रुपीज़ की जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द पीपल ऑफ द स्टेट टू बिल्ड देयर ओन पक्का हाउसेज, ठीक है, ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और सरकार जो है वो हर संभव मदद भी करती है किसके लिए, पक्का मकान बनाने के लिए। एवरी सेक्शन थ्रू वेरियस हाउसिंग स्कीम इन दिस एपिसोड शेड्यूल्ड कास्ट, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसके अंडर आएंगे वो कौन कौन से है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना टू बिल्ड द पक्का हाउस। SC की बात आ गई, ST की बात आ गई और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, ठीक है, उनको जो है वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना जो है इसमें लगभग अब तक जो है 29.87 करोड़ रुपीज की जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो लास्ट 4 years में जो है वो 2072 मकान बनाने के लिए जो है वो 29.87 करोड़ रुपीज की जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, जिसमें जो है वो आपकी ट्राइबल फैमिलीज भी आती है और अपार्ट फ्रॉम दैट जो शेड्यूल कास्ट है वो भी कंसीडर किए जाते हैं और साथ के साथ जो BPL फैमिलीज है, IRDP की जो फैमिलीज है वो भी इसमें आती है। और पक्का मकान बनाने के लिए जो है वो सरकार की तरफ से 1.50 एंड 1.50 डेढ़ लाख रुपए की जो है वो मदद करवाई जाती है।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वर्ण जयंती आश्रय योजना या पक्का हाउस बनाने के लिए जो स्कीम को लॉन्च किया गया था बाई द HP गवर्नमेंट। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आए दिनों आपने देखा होगा कि जंगलों में जो है वो आपके आस पड़ोस या जंगलों में फॉरेस्ट फायर जो है वो आम तौर पे गर्मियों के सीजन में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है जो जितना भी फ्लोरा एंड फौना है उसमें जो आपकी एनिमल स्पीसीज चाहे प्लांट स्पीसीज की बात आती है तो वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो रही हैं इस रीज़न से। तो इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। हिमाचल प्रदेश हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टुडे एज द क्लीन एंड ग्रीन। अगर पूरी कंट्री की बात की जाए तो हिमाचल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है क्लीन एंड ग्रीन स्टेट अक्रॉस द कंट्री। और अगर हमें इसको मेंटेन करके रखना होगा, सस्टेन करके रखना होगा जो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया या फॉरेस्ट एरिया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है वो फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी पर्पज से जो है सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से यहाँ इनिशिएटिव लिया गया है कि FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होती है वो FIR लॉन्च की जाएगी अगेंस्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे या जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, जिनकी वजह से जो है वो जंगलों में आग लगती है। तो इसमें जो है देयर वाज ए सीरीज ऑफ फायर इन द स्टेट। पिछले कुछ टाइम से जो है हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अलग अलग गाँव की बात करते हैं, अलग अलग जगह की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें आग देखने को मिलती है। अगेंस्ट दोज Who caught on the change of set, जो on the charge of, not change, on the charge of setting fire, यहाँ पे जो है जो इसके संदर्भ में अगर यहाँ पे देखा जाए कि जिनको वहाँ पे दोषी पाया जाता है, करार दिया जाता है, तो उसके लिए जो है वो सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अगर हम सजा के प्रावधान की बात करते हैं और जो जितना भी इसमें प्रोविजन रखा गया है तो इसके जरिए जो है वो इंडियन पेनल्टी एक्शन और फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो है यहाँ पे सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी पर्सन दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसको जो है वो लगभग जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी करवाई जाएगी, 3 साल तक की, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट कवर एंड जो वन एवं पर्यावरण संरक्षण के रिगार्डिंग हमारे पास न्यूज थी इसके बारे में था। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वी हैव द स्ट्रेंथन्ड हेल्थ सिस्टम। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हमने हेल्थ सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। जो इम्पॉर्टेंट सहारा स्कीम की बात कर लेते हैं हम, आयुष्मान भारत की बात करते हैं, हिम केयर कार्ड की बात करते हैं, फ्री मेडिसिन स्कीम की बात की गई है, तो हर जो स्कीम्स है उसके जरिए जो है वो बेटर करने की कोशिश की गई है हिमाचल सरकार के द्वारा कि जो है हेल्थ में और ज़्यादा एफिशिएंसी आ सके। तो उसी के कारण फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल स्टेट वेरियस स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल, अगर हम सेंटर की बात करते हैं और स्टेट की करते हैं तो उसमें जो है वो ऑल्सो बीइंग इफेक्टिवली डिलीवर्ड। अगर स्कीम लाइक सहारा और हिम केयर कार्ड की बात करते हैं, जैसे सहारा में जो है वो 3000 तक की जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें जो क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं, जिसमें जो है थैलेसीमिया डिजीज आता है, रीनल किडनी फेलियर के डिजीजेज आते हैं, ठीक है, कैंसर लाइक क्रोनिक डिजीज आते हैं, वो सारे के सारे इसमें कंसीडर किए जाते हैं। अगर ऑल ओवर एनुअली इसको डिस्कस किया जाए तो लगभग 36,000 रुपीज की जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। ड्रीम ऑफ प्रोस्पेरस हिमाचल हैज कम आउट ट्रू ओनली विद द कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड डोर टू डोर। अगर हम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंटिन्यूस एफर्ट रहे और साथ के साथ ही जो है डोर टू डोर जो है अगर हम इफेक्टिवली इसको जो है वो डिलीवर कर पाते हैं, जो जितनी भी वेरियस हेल्थ स्कीम्स हैं उससे लोग अवेयर हो पाए और उन स्कीम्स का जो है वो फायदा उठा सके। तो इसी सिलसिले में जो है वो आयुष्मान योजना आती है, इसमें जो है हेल्थ कवर का जो प्रोवाइड करवाया जाता है बाई द हिमाचल, सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हिम केयर, जिसमें कंसीडर होती है 5 लाख रुपीज़ तक की जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो अवेल करवाई जाती है। फ्री मेडिसिन स्कीम, इसमें जो है वो आपको हॉस्पिटल्स के अंदर ही फ्री मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाती हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। एंड हिमाचल ऑल्सो फर्स्ट इन मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट्स इन द हेल्दी सर्वे। और हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर हम ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्प्रूव्ड जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या हेल्थ जो हिमाचल का स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो सबसे बेटर किया हुआ है ऑल ओवर ही
ऑल ओवर बाय द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम जो है वो वेरियस स्कीम्स भी लॉन्च की जाती है बाय द गवर्नमेंट, और इसकी अपॉर्चुनिटी इन स्कीम्स को जो है वो अवेयर रह सके, जो लोकल जनता है, लोकल लोग हैं, पीपल है, वो इसको जो है वो अवेल कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक, जो इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आफ्टर दैट कि जोकटा अकेडमी जो है वो यहाँ पे अपना नया बैच शुरू कर रही है HAS का 8 जुलाई से। ये जो बैच है ये हाइब्रिड मोड में रहेगा, यहाँ पे ऑफलाइन एज वेल एज आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जो बैच की स्टार्टिंग डेट है वो 8th of July 2022 से जो है वो बैच स्टार्ट होने वाला है। तो यू कैन ऑल्सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीक मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।